हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रद्धा शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल श्रद्धा कला क्रिएटिव गर्ल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक रंगोली बना के दिखाऊंगी। तो रंगोली करो मिक्स करके लिए हैं। एंड ये मेरी सूजी है जिसमें मैं इन कलर्स को मिक्स करूंगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें हमें ये वाला येलो कलर कर रहे हैं मिडल में। एंड जो ये आउटलाइन है इसमें मैं करूंगी ये ग्रीन। ओके, एंड ये जो ये वाला पोर्शन है इसमें मैं ये पर्पल कलर करूंगी। एंड इस वाले में मैं ये रेड कलर करूंगी। ये सब में ऐसे मैं रेड कलर करूंगी। तो अभी पहले मैं आपको येलो कलर करके दिखाती हूँ। सो ये मैंने अब इसमें येलो कलर कर दिया है। ये इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग तब आएगी इसकी, जब आउटलाइन होगी तभी बहुत प्यारी लगेगी। तो अब मैं आपको इसका ग्रीन कलर करके दिखाऊंगी। ओके, सो अब मैंने यहाँ ग्रीन कलर भी फिल कर लिया है। अब ये जो मैंने आपको बताया था जहाँ पर मैं पर्पल करूँगी, अब ये मैं पर्पल कलर फिल करती हूँ। ओके, सो देखिए मैंने पर्पल कलर भी कर दिया है। अब मैं यहाँ पर मैंने आपको रेड कलर बताया था, तो अब मैं आपको रेड कलर करके दिखाती हूँ। एंड बहुत इसमें मैंने सूजी मिलाई है सारे में ही, हर कलर में, जिसे थोड़ा कम ना पड़े। एंड बहुत अच्छी है। चलिए, सो अब मैंने ये रेड कलर भी कर दिया है। ये रेड कलर मेरे पास थोड़ा कम था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा, मैंने आपको मिक्स कलर दिखाया था ना, जो मैंने सारे कलर्स को मिक्स करा था, इसमें मैंने थोड़ा वो मिलाया था एंड थोड़ी सी सूजी। बट ये बहुत प्यारा लग रहा है रियल में। एंड अब मैं आपको इससे हैप्पी न्यू ईयर लिख के दिखाती हूँ। ये मैंने हैप्पी न्यू ईयर के लिए बचा रखा था, इससे मैं लिखूंगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, तो मैंने ये लिख लेती हूँ अब इससे, क्योंकि ये कलर मेरे पास बहुत है, तो इससे मैं आपको दिखाती हूँ करने। जो मैंने आउटलाइन करी है मैंने सूजी से कर लिया। अगर आपके पास व्हाइट कलर है तो आप व्हाइट कलर से कर सकते हैं। एंड बहुत प्यारी लग रही है ये। सो मतलब मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये। सो देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी लग रही है ये। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और जो सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन उसे ज़रूर दबाएं, कमेंट ज़रूर करना। सो बाय एंड एक और बार हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।